हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बेडशीट का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मैंने दो ब्लॉक कट किए हैं, इनको मिला के हमें बेडशीट का डिज़ाइन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने तीन कलर का कपड़ा लिया है, कपड़े की कटिंग कर ली है। तो ये सारे पीसेस हमारे सेम साइज़ के हैं। तो जैसे ये पीस है हमारा 4 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 4 इंच है। 4x4 इंच के 4 पीस हैं, ये भी 4x4 के 4 पीस हैं, ये भी 4x4 इंच के 4 पीस हैं। ये 4 पीस हैं वाइट कलर के। तो ये हमारे 3.5 इंच है यहाँ से, और यहाँ से भी 3.5 इंच है। अब जैसे ये पीस है, ये बाद में हमारे काम आएंगे, ये तीनों पीस को रेडी करेंगे। तो जैसे ये ग्रीन है हमारा, तो ग्रीन के साथ हमारा ये रेड इस तरह से आएगा। तो एक पीस और ग्रीन के साथ इस तरह आएगा। इसके बाद ये वाइट पीस है, तो ये वाइट पीस हमारा इसके साथ इस तरह से लगाएंगे, दोनों ग्रीन के साथ ये वाइट पीस आएगा। ये दोनों रेड हैं, तो इसके ऊपर हमारा ये वाइट पीस इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से हमारे पीस की सेटिंग हो गई है। जैसे इस तरह से मैंने पीसेस रख दिए हैं, इनको हमें अब यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ऐसी लाइन लगा लेनी है। इसके बाद जितना सिलाई के लिए रखते हो उतना रख के यहाँ से सिलाई लगाएंगे, इस साइड में भी इतना ही रख के सिलाई लगाएंगे। ये मार्किंग मैंने कर दी है, सारे पीसेस पे इस तरह मार्किंग करनी है। अब सिलाई करेंगे, तो सिलाई हम ये साइड वाली लाइन है वहां पे सिलाई करेंगे, सभी पीस इसी तरह रेडी करेंगे सिलाई करके। ये सारे पीस मैंने सिल दिए है, ये साइडों में सिलाई लगी है। अब ये सेंटर की लाइन है, यहाँ से कटिंग कर लेनी है। कट सारे पीस इसी तरह कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है पेज पे, इस तरह से इसको खोल के ऐसे प्रेस कर लेंगे, सभी पीसेस पे इस तरह प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जैसे ये कॉर्नर हमारा इस तरह से आ जाते हैं, इनको हमें कट करके बराबर कर लेना है सारे पीसेस का। सारे पीस बन के रेडी हो गए हैं, ये 4 पीस बने हैं, ये भी 4 पीस हैं, और ये 4 पीस हैं, और ये 4 पीस हैं व्हाइट कलर के। टोटल हमारे 16 पीस हो गए। अब इन पीसेस को हमें अरेंज करना है, तो ये पीस हैं, इन्हें पहले लगाएंगे, ये इस तरह से लगाएंगे, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ये 4 पीस इस तरह से लग गए हैं। इसके बाद हमें ये रेड और ये हमारा व्हाइट में आएगा, व्हाइट शेड में, ये हमें इस तरह से लगाना है। तो चारों साइडों में ऐसे लगा देंगे रेड वाले, ये रेड वाले लग गए हैं। अब ये ग्रीन कलर के इस डायरेक्शन में ऐसे लगेंगे, इस तरह से हमारे ये स्टार शेप बन गई है। अब ये व्हाइट कलर के हैं हमारे, तो इनको यहाँ पे चारों कॉर्नर में लगाना है। ये सारे पीस हम इस तरह से लगा लेंगे। अब इन्हें सिलना है, तो जैसे ये लाइन है, पहले हमें ये लाइन सिलनी है, इसके साथ ये सिलेंगे, और ये और ये, इसी तरह ये चारों लाइनें सिल लेंगे। चारों पीस मैंने इस तरह से सिल दिए हैं। अब इन्हें हमें इस तरह से सिलना है, जैसे ये पीस इसके साथ सिलेंगे ये कॉर्नर का ध्यान रखते हुए, और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। दोनों पीस सिल दिए हैं। अब सिलने के बाद जैसे अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पे आगे पीछे हो जाता है, इसे हमें बराबर कर लेना है। इन दोनों को हमें सिलना है, तो ये कॉर्नर है, इनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सेंटर की ये सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ पे हमें प्रेस कर लेनी है। अब देखिए ये पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। इसके बाद जैसे ये हमारा साइडों में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है कपड़ा सिलते टाइम, इसको हमें इस तरह से लाइन लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेना है। ये चारों ओर से हमें एक्स्ट्रा कट करना है। चारों ओर से मैंने कटिंग कर दी है। अब ये पीस बन के रेडी है। तो इस मेजरमेंट में बना है 12 इंच, यहाँ से भी 12 इंच है, 12x12 इंच का ये ब्लॉक बना है हमारा। अब जैसे इसका कुशन कवर बनाना है, तो इससे थोड़ा बड़ा बनाना है हमें,
तो यहाँ पे हमें दो दो इंच की पट्टी दे देनी है चारों ओर वाइट कलर की, तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, तो इसका हमारा कुशन कवर बन जाएगा। इसके बाद मैं दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। दूसरा डिज़ाइन बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है, ये हमारा 5 इंच है, यहाँ से भी 5 इंच है, 5x5 इंच का ब्लॉक है। उसके बाद ये हमें एक कपड़ा लेना है वाइट, तो ये मैंने लिया है यहाँ से 2.5 इंच, और यहाँ से हमें इसके बराबर लेना है। दोनों साइड में ऐसे लगा देंगे और इस तरह से इसको सिल देना है, यहाँ से इस तरह से सिल दिया है और ऐसे कर लेंगे इसे, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है अगर हमारा, तो उसे हमें बराबर करके कट कर लेना है। इसके बाद ये 2.5 इंच की स्ट्रिप से ये भी हमें इसके बराबर लेनी है, लेकिन जितना हमने यहाँ सिलाई के लिए लिया है उतना एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी कट कर लेंगे। ये स्ट्रिप्स दोनों साइड लगा दी है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा हमें ये एक्स्ट्रा लेना है। इसके बाद हम ग्रीन कपड़ा लेंगे, तो ये ग्रीन है, ये 2.5 इंच है, यहाँ से भी 2.5 इंच है, तो ये हमारा इस कॉर्नर में आएगा, चारों कॉर्नर में ऐसे लगा देंगे। सिलाई करनी है तो इस पीस को हम इसके साथ सिलेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे, ये भी इसी तरह सिलेंगे। अब इन दोनों पीसेस को इस पीस के साथ ऐसे सिलेंगे, तो सिलाई हम इस तरह से लगाएंगे, ये कॉर्नर हमारे बराबर आने चाहिए। ये पूरा पीस सिल दिया है मैंने, अब ये रेडी हो गया है। अगर जैसे यहाँ से हमारा जैसे थोड़ा सा ये आगे पीछे हो जाता है सिलते टाइम, तो इसे हमें बराबर कर लेना है, इस तरह काट के लाइन लगा के भी एक्स्ट्रा कट कर सकते हैं, चारों कॉर्नर बराबर कर लेने हैं। इसके बाद ये 2.5 इंच की हमारी ये पट्टी है, इसे हमें इसके बराबर कट कर लेना है, जितना हमारा यहाँ तक आएगा। ये दोनों साइड में लगानी है, दोनों साइड में बराबर रख के इस तरह से यहाँ से सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स अटैच कर दी है। इसके बाद ये फिर 2.5 इंच की वाइट पट्टी लेनी है, थोड़ी थोड़ी हमारी यहाँ से एक्स्ट्रा होनी चाहिए क्योंकि सिलाई में आएगा, इस साइड में भी ऐसे लगाएंगे। इसके बाद ये 2.5 इंचेस के ग्रीन कलर के पीसेस हैं, ये यहाँ पर लगेंगे हमारे चारों कॉर्नर में। अब इनको सिलना है, ये इसके साथ सिलेंगे और ये इसके साथ, इसी तरह ये भी इस तरह सिलेंगे। ये स्ट्रिप सिल दी है, अब इस स्ट्रिप्स को हमें इस स्ट्रिप्स के साथ यहाँ से सिल देना है, ये भी इसी तरह सिलेंगे। ये दोनों स्ट्रिप्स यहाँ पर मैंने सिल दी है। इसके बाद अगर जैसे हमारा कपड़ा थोड़ा थोड़ा इस तरह से सिलते टाइम ऐसे आगे पीछे हो जाता है, तो यहाँ से हमें एकदम बराबर करके लाइन लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है चारों ओर से। ये चारों ओर से मैंने कटिंग कर दी है, तो ये पीस हमारा बन के रेडी हो गया है। तो पहले हमने ये पीस बनाया है, तो ये दोनों पीस हमारे सेम साइज के बन के रेडी हो गए हैं। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे है ये कपड़ा जैसे, तो उसे हमें इस पीस के बराबर कर लेना है। दोनों पीस बन के रेडी हो गए हैं, तो इन दोनों पीस को मिला के हमें बेडशीट का डिज़ाइन बनाना है। जैसे ये पीस हम इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से लगाया है, और दूसरा पीस इस तरह से लगाना है। इसी तरह के हमें बहुत सारे पीस बना लेने हैं। एक पीस हमें ये लगाना है, एक ये लगाना है, इसके बाद फिर ये लगाना है, एक पीस इसका, एक इसका लगाते जाएंगे, और नीचे जब दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है तो ये पीस लगाएंगे इसके नीचे, और इसके नीचे ये पीस आएगा, तो बहुत ही सुंदर हमारा एक बेडशीट का डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा बन के रेडी हो गया है। इस डिज़ाइन से आप कुशन कवर, पिल्लो कवर या बेडशीट कुछ भी अपनी इमेजिनेशन से बना सकते हैं। डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो बेल बटन भी दबा लें, इससे ये होगा कि जो भी मैं नया वीडियो डालूंगी उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।